सुनाई, जहां रिपोर्टर बिलाल तरीन के मुताबिक मानसून के बारिश के बायस सरूती हिफाजती बंद जो 23 मार्च को सैलाबी रेले से टूटने से बहुत नुकसान हुआ, आवाम के घर बह गए। इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर अजीम जान दुमर ने तमाम मुतासरीन को आर्जी तौर पर सरकारी अराजी में रिहाइश के अहकाम दिए और बेघर होने के बावजूद इनको आर्जी रिहाइश मिली। बंद की आर्जी बुनियादों पर दोबारा तामीर हुई, लेकिन 25 जून को सैलाबी रेले ने हिफाजती बंद को मजीद नुकसान पहुँचाया। ताहम भारी मशीनरी से आर्जी तौर पर तामीराती काम जारी है, जबकि 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब पहाड़ों पर शदीद सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ताहम डिप्टी कमिश्नर अजीम जान दुमर ने लिवीज़ की भारी नफरी पहुँचा कर आवाम को आधी रात को भी मदद फराहम की है। सैलाबी रेले से घरों की दीवारें गिर गई हैं, सामान सैलाब में बह चुका है। ताहम डिप्टी कमिश्नर अजीम जान दुमर ने सूरत हाल का सख्ती से नोटिस लेते हुए हिफाजती बंद की तामीर की निगरानी खुद करना शुरू कर दी है, मगर ज़रूरी है कि मियारी मटीरियल से सरूती हिफाजती बंद की जल्द से जल्द हंगामी बुनियादों पर तामीर की जाए। बिलाल तरीन, मशरिक न्यूज़, हरनाई।